सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह का अमेजिंग सा ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो अपने घर पे ही, और इस तरह का एडिट भी कैसे करना है इस वीडियो में सिखा दूंगा। तो अगर आपको भी अपने फोटो को कुछ इस तरह का क्लिक करके एडिट करना है तो यह वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस फोटो को क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए दो बॉक्सेस और एक फोन। मैंने यहाँ पे दो मोबाइल के बॉक्सेस ले लिए, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे जिस तरह से इन दोनों को एडजस्ट किया आपको भी करना है, और इन दोनों के बीच में से आपको फ्लैश को अप्लाई करना है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का शैडो यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो कैमरा है उसे ट्राइपॉड में सेट कर लिया था, और उसके बाद जो भी यहाँ पे फ्लैश का लाइट आ रहा है उस वाले जगह पे आपको बैठ जाना है और अपने मर्जी से जो चाहे पोज दे सकते हो। आप चाहे तो इस तरह का भी पोज दे सकते हो। तो फोटो को कर लेते हैं क्लिक। तो हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है। मुझे यहाँ पे ये तीन फोटो पसंद आया है, इसमें से ये वाला जो फोटो है इसे मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो फोटो को एडिट करने के लिए आपको इस फोटो को लेकर जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो मैंने यहाँ पे अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। लाइटरूम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और सिर्फ इस फोटो के यहाँ पे सैचुरेशन को कम कर देने से फोटो एडिट नहीं हो जाएगा, इसमें थोड़े और काम भी बाकी है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर पहले क्लिक करना है, और फोटो का जो कॉन्ट्रास्ट है इसे इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा, लगभग 12%, और शेडोज़ को डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि जो भी यहाँ पे शेडो वाला पार्ट है और थोड़ा सा और डार्क हो जाए। ब्लैक्स को भी डिक्रीज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे व्हाइट्स और जो हाईलाइट्स है इन दोनों को आपको इंक्रीज कर देना है, ताकि जहाँ पे फ्लैश गिर रहा है वो वाला पार्ट और ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट लगे। तो मेरा हो गया, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट आपको इसके नीचे वाला आइकन पे जाना है, और फोटो के वाइब्रेंस को सबसे पहले आपको -100 करना है, और सैचुरेशन को भी -100 कर देना। ये हो जाने के बाद आपके यहाँ पे जो इसके नीचे वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और फोटो के शार्पनेस को इंक्रीज कर देना 100%। और यहाँ पर जो मास्किंग है इसको आपको 2 फिंगर से इस तरह से इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एडजस्ट पे शार्पनिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 74। नेक्स्ट हम इसके ऊपर वाला आइकन पे जाएंगे और फोटो के यहाँ पे जो क्लैरिटी है थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ताकि हमें फोटो में थोड़ा सा स्मूथ तरह का इफेक्ट आए। इसके बाद थोड़ा सा स्वाइप करेंगे और ग्रेन से ऐड कर देंगे। तो हमारा फोटो हमें फाइनली एडिट हो चुका है, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद इस फोटो को सेव कर लेना शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके। स्वाइप गाइस मैंने आपको काफी इजी वे में इस तरह का फोटो कैसे क्लिक करते हैं और एडिट करते हैं दोनों सिखा दिया है। तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।